नमस्कार साथी, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज तारीख है 17 दिसंबर और दिन के 12:30 बज रहे हैं। लाइव मार्केट ओपन है। अभी एक शेयर हो रहा है धामपुर सुगर के अंदर, तो मूवमेंट बन रहा है। मुझे लगता है अब इसमें सही समय से बाय करने का और 10 दिन में सारे टारगेट होंगे जो मैं टारगेट दे रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए, धामपुर सुगर के बारे में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करके जो हैं। धामपुर सुगर है क्या? सुगर फैक्ट्री कंपनी एथेनॉल सुगर को बनाती है और कई चीज़ों में है कंपनी का वेंचर। बाकी मोटा मोटा और मैंने और वीडियो में उसका पूरा एक्सप्लेन किया है कि सुगर फैक्ट्री में होता क्या है। तो अब सबसे इसके अंदर चल के रहा है धामपुर सुगर का आज का मूवमेंट देखते हैं चल के रहा है। तो आज ये 2% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। ये आज ये ओपन होता 309 रुपये पे, हाई मारता 311.50 रुपये का, लो मारा 315 रुपये का, 52 हाई है 395, 52 लो है 152.25 रुपये का। ठीक है, 5 दिन के अंदर अभी तक कितने रिटर्न दिया इसने? अभी तक हमारे को माइनस में 0.51%, 1 मंथ के अंदर अभी तक इन्हें माइनस 0.7%, 6 मंथ के अंदर -8%। यानी 6 मंथ से देखिए शेयर चला नहीं है, अब चलने के मूवमेंट में आया शेयर, तो मूवमेंट बनेगी। तो निफ्टी आज गिरावट है, गिरावट जैसे निफ्टी के सपोर्ट में ये गिर रहा है। जैसे निफ्टी अब ट्रेंडिंग चलेगा, इसमें जो मैं टारगेट दूंगा डेफिनेटली हिट होगी, क्योंकि पहले लास्ट 2 कॉल में जो टारगेट थे वो पूरे हिट हुए थे। तो 10 दिन में 2 के टारगेट हिट होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो ईयर टू डेट के अंदर अभी तक इसमें 77% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। अब टिकट टेप के साइड पे देख लेते हैं, कुछ न्यूज़ तो आई नहीं इसके अंदर, बस चार्ट पे इंडिकेशन दिख रहा है। तो देखिए बाकी कोई बड़ी बात तो है नहीं। देखिए इधर भी 50% एनालाइजर वॉल्यूम में बाय करने के लिए इंडिकेशन सारे ग्रीन दिख रहे हैं इसके अंदर टिकट टेप के अंदर। अब चलते हैं इसके चार्ट के अंदर। तो मैंने देखा डेली चार्ट ओपन कर रखा, डेली चार्ट पर समझते हैं क्या इसके अंदर। देखिए किस तरह से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है 283 के बाद से, आप ट्रेंडिंग तरफ अभी भी चल रहा है और ये धीरे 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 करते 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 ये 150 दिन के 100 डेज के एवरेज मूव को क्रॉस मूव करने को तैयार बैठी हुई है, 7 डेज के एवरेज मूव। तो यहाँ पे RSI भी अप MACD अप ट्रेंडिंग है, RSI 50 के अबव है, ये भी अच्छा इंडिकेशन है। तो आपको क्या करना है, 295 का स्टॉप लॉस लेके चलना है, क्योंकि ये कैंडल जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है इसका स्टॉप लॉस लेके चलना है। इसका स्टॉप लॉस से बाय करें 295 के, तो इसमें जो पहला टारगेट आएगा, मेरा पहला टारगेट है यहाँ से 310 रुपये का पहला टारगेट है, क्योंकि आज 311 का, मगर इसके बाद भी 310 का पहला टारगेट है, क्योंकि अभी पूरा 8 रुपये नीचे चल रहा है शेयर के अंदर। पहला टारगेट 310 का आएगा, जैसे 310 को हिट करेगा दूसरा टारगेट आएगा मेरा, क्योंकि ये जो देखिए डबल टॉप लोअर बॉटम है ये, देखिए आपको थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे जो कैंडल है इस कैंडल के नीचे नहीं गया, ये डबल टॉप लोअर बॉटम के बाद से नीचे नहीं जा रहा है, 295 के 280 के नीचे नहीं जाता शेयर। बाबा वहाँ से करेक्ट हुआ था, फिर सब ट्रेंडिंग आता है और 330 से ऊपर नीचे ऊपर नहीं जाता है। जब तक 300 ऊपर के नहीं जाता इसमें फ्रेश अप ट्रेंड नहीं दिखेगा, और जब तक 280 के नीचे नहीं आता इसमें डाउनफॉल नहीं दिखेगा। तो हमें क्या करना है, पहला टारगेट 310 का, दूसरा टारगेट 315 का, तीसरा टारगेट 319 रुपये का, क्योंकि ये जो कैंडल है 330 तक की है। तो इस कैंडल को सपोर्ट लेके हम इसका पूरा टारगेट ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो करेक्टिव होकर चल रहा है, क्योंकि देखिए आज ये अप ट्रेंडिंग चलता तो आज ये 15 दिन के हाई पर होता है, 15 डेज के हाई पर ट्रेड करता था शेयर। तो RSI MACD पर इंडिकेशन अच्छा रहा। ये देखिए किस तरह से करेक्टिव होकर अप ट्रेंडिंग की तरफ चल रहा है, अभी भी गिरावट नहीं है, क्योंकि जब तक ये 295 के नीचे नहीं जाएगा जब तक इसमें गिरावट के इंडिकेशन नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये जो कैंडल बनी हुई है हैमर जो कैंडल बनी है इसका सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हैवी वॉल्यूम के साथ बाएंगे यहाँ पे, तो हमें घबराना नहीं है, 295 के स्टॉप लॉस से बाय करना। पहला टारगेट 310 का, दूसरा टारगेट 315 का, तीसरा टारगेट 319 का, तीन टारगेट का बाय करिए, पिछले होल्ड रखिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना बोले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।